और अब बात कर लेते हैं उस अमर प्रेम कथा की जिसके आपने कुछ अंश देखे, और वो ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी के शब्द हैं। वो कहते हैं कि दो वैश्विक नेताओं की, शी जिनपिंग की और उनके बीच में कितना अपनत्व है, कितनी आत्मीयता है, ये लोगों की समझ से बाहर की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि ऐसी कौन सी गलबहियां, ऐसा कौन सा इश्क है, ऐसा कौन सा प्रेम है, ऐसी कौन सा भाईचारा, ऐसी कौन सी आत्मीयता है कि इस देश का प्रधानमंत्री 20 जाबाजों की शहादत के बाद चीन का नाम नहीं ले पा। इस देश के प्रधानमंत्री साबरमती के तट पर झूला झूलते हैं शी जिनपिंग के साथ, महाबल्लीपुरम में शहनाई सुनते हैं, बाली जाते हैं तो 20 जाबाजों की शहादत का हिसाब नहीं मांगते हैं, खाना छोड़कर जी हजूरी में लाल शर्ट पहनकर बजाय लाल आंखों के खड़े हो जाते हैं। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की चीन से यह आत्मीयता है कि नाम लेना तो दूर, कोई घुसा हुआ नहीं कहकर उनको क्लीन चिट भी दे देते हैं। और कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि चीन का पीएलए और हमारे प्रधानमंत्री एक ही भाषा बोलते हैं, कोई घुसा हुआ नहीं, लेकिन हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स बफर जोन बन गए हैं। 20 जाबाजों की शहादत का बदला हमने $100 बिलियन व्यापार घाटा बढ़ाकर दिया है। इन सब बातों का जवाब कौन देगा? इन सब बातों का एक ही जवाब है, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। यही कहना चाह रहे हैं मोदी जी शी जिनपिंग से। मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे शब्द बिल्कुल नहीं है, ये मोदी जी के शब्द है कि हमारा ऐसा नाता है, वो वडनगर आए तो फिर वो फलाना हुआ, ये समझ नहीं पाएंगे लोग कि दो लोगों में कितनी आत्मीयता हो सकती है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी के शब्द।